हे गाइस, वेलकम टू मैथलेस टेक चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से हम एक वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। जी हाँ दोस्तों, हाउ टू अप्लाई फॉर वोटर आईडी कार्ड ऑनलाइन एट होम। इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से फॉर्म 6 जो NVSP पोर्टल पे आपको देखने को मिलेगा, जिसके थ्रू हमें एक इलेक्शन कार्ड जिसे हम कहते हैं या वोटर आईडी कार्ड इशू होता है, तो उस फॉर्म को कैसे हम फिलअप कर सकते हैं, वो भी घर बैठे ऑनलाइन। आपके पास एक लैपटॉप या आप मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या यहाँ पर रिक्वायर्ड है, आधार कार्ड और आप 12th मार्कशीट भी दे सकते हैं, इंडियन पासपोर्ट भी दे सकते हैं, और यहाँ पर आप जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल भी दे सकते हैं, यहाँ पर आप बैंक पासबुक भी दे सकते हैं। बेसिकली आपको एज प्रूफ और अपना जो है एड्रेस प्रूफ वो यहाँ पर देना है। तो लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हम देखेंगे कि आगे क्या क्या और डॉक्यूमेंट्स है जो हम दे सकते हैं, वो हम वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर आपको दोस्तों कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि इलेक्ट्रोल ऑफिस आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपका फॉर्म जो फिल होगा ऑनलाइन, अप्रूव होगा ऑनलाइन, और आप कार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हैं ऑनलाइन, और उसे आप नजदीकी कैफे में प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं किस तरह से हम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले अपने लैपटॉप में जो है NVSP पोर्टल यानी क्रोम के थ्रू हम इसे अप्लाई करना करेंगे और NVSP पोर्टल को सर्च करेंगे। तो NVSP आप सर्च करें और उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले जो लिंक आएगी वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लॉगिन करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी ईमेल आईडी और पासवर्ड, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट कर दिया है। तो अगर आपके पास अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ है तो आप यहाँ पर डोंट हैव एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इस अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर कैप्चा डालेंगे और उसके बाद OTP डालेंगे। OTP आने के बाद आप यहां पर OTP एंटर करेंगे। तो उसके बाद अगर आपके पास IPIC नंबर है तो वो दे दीजिए, मेरे केस में नहीं था तो मैंने नो कर दिया। तो उसके बाद अगर है तो IPIC नंबर एंटर करेंगे और उसके बाद ईमेल और पासवर्ड आप जो भी रखना चाहेंगे, स्ट्रांग पासवर्ड मैंडेटरी है अप टू 16 कैरेक्टर्स, जिसमें सिम्बल्स वगैरह से आपके सिम्बल्स भी नंबर्स भी और अल्फाबेट्स का मिक्सचर होना चाहिए, तो वो एक स्ट्रांग पासवर्ड कहलाता है। तो उसके बाद रजिस्टर, तो यहां पर आपको देख सकते हैं पासवर्ड का पैटर्न भी यहां पर देखने को मिलेगा उसके हिसाब से। तो चलिए हम लॉगिन कर देते हैं एंड यहां से हम कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा आप एज इट इज जैसे दिया है वैसे एंटर करेंगे। तो जैसे ही हम यहां पर पोर्टल पे आएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अगर आपका जो रजिस्ट्रेशन कार्ड हो चुका है तो आप यहां पर IPIC डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम अभी अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉर्म्स पे यहां पर हम क्लिक करेंगे। फॉर्म्स पे क्लिक करने के बाद आप यहां पर जो फॉर्म 6 है आप यहां पर देख सकते हैं, फॉर्म 6 इंक्लूजन ऑफ नेम्स फॉर रेजिडेंट्स इलेक्टोर्स। नाम हम यहां पर इंक्लूड करना चाहते हैं एज अ वोटर, तो फॉर्म 6 पे हम क्लिक करेंगे। अगर आप हिंदी में ही इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो आप हिंदी में ही कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास जो हिंदी का उतना अनुभव नहीं है तो यहां पर आप इंग्लिश सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहां पर इंग्लिश में ही इसको फिल करेंगे। तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं द इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर स्टेट को हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहां पर हम स्टेट सिलेक्ट करेंगे अपने हिसाब से, आप यहां पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपको आता है, और उसके बाद पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी कौन सी आपको आती है। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे वैसे ही आपको यहां पर ऑटोमेटिकली ये कंस्टिट्यूएंसी वही शो करेगा जो उस डिस्ट्रिक्ट में आती होंगी। तो अगर आपने शिफ्ट किया है तो यू ड्यू टू शिफ्टिंग फ्रॉम अनदर कंस्टिट्यूएंसी, यहां पर अगर आप पहली बार वोट कर रहे हैं तो एज अ फर्स्ट वोटर जो कि सिलेक्टेड रहेगा वही आपने सिलेक्ट करना है। तो यहां पर दोस्तों अब हम जो अपनी डिटेल्स यहां पर फिल करेंगे, जो कि डिटेल्स पर्सनल है, वो अब हम यहां पर फिल करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले नेम, तो इस तरह से आप पहले कैपिटल में डालिए नेम, फुल नेम आप यहां पर डालिए, और अगर आपके पास सरनेम है तो वो भी डालिए, कोर्स है सरनेम सबका होता है। तो उसके बाद यहां पर जो रीजनल है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अगर आपको रीजनल लैंग्वेज नहीं आती है तो ये अपने आप ही फिल कर देगा। लेकिन अगर यहां पर समहाउ गलत हो जाता है, यानी कि
जो इनका सिस्टम है वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। यानी जैसे मेरे नाम पे यहाँ पर बिलाल है, तो ये सपोज बिलाल कुछ अलग तरीके से लिखता है, तो आप यहाँ पर ऐसे क्लिक कर सकते हैं और खुद से लिख सकते हैं। नॉट अ बिग डील, वैसे सिस्टम अच्छा है। तो अब हम रिलेटिव का नाम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे आप कोई भी रिलेटिव, अगर आपका है फादर मदर, तो उनका नाम आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो सरनेम ऑफ दी रिलेटिव एप्लीकेंट भी यहाँ पर आप डालेंगे, यानी उनका सरनेम क्या है, जो यहाँ पर आप वो सिलेक्ट करेंगे उसी हिसाब से। तो एज एज ऑन 1 जनवरी ऑफ द करंट कैलेंडर ईयर, तो आप अपनी एज को यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। तो अगर इस तरह से आप ये झंझट नहीं चाहते कि अब कैलकुलेट कैसे करें, तो डायरेक्टली आप डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे एंड डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसमें, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हम इसको 2000 पे लेते हैं एंड फेब्रवरी को सिलेक्ट करेंगे और अपना डेट ऑफ बर्थ हम सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लिया इस हिसाब से। तो उसके बाद यहाँ पर आप जेंडर ऑफ द एप्लीकेंट अपने हिसाब से वो भी डाल सकते हैं, मेल फीमेल व्हाटएवर। उसके बाद चलते हैं आप एड्रेस पोर्टल पे। तो यहाँ पर एड्रेस अब हमें डालना है, तो यहाँ पर आपको स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड रहेगा। अब एड्रेस में आपका हाउस नंबर जो कि 41, तो मैं यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ कि अपने आप ये लिख लें, तो क्योंकि ऑलरेडी मेरा मेरे क्रोम में ये सेव है मेरा एड्रेस। तो स्ट्रीट यहाँ पर सुजेठ, तो टाउन विलेज भी वही, पोस्ट ऑफिस हमारा क्या आता है लवेपुरा, तो बाकी वैसे ही। तो चलिए यहाँ पर अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है, तो यहाँ पर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपने जस्ट यहाँ पर इस बॉक्स को चेक करना है एंड ऑटोमेटिकली ये सब आ जाएगा। तो अगर आपके पास फैमिली का एपिक नंबर है, जिसको हम GLN नंबर भी कहते हैं, तो जो GLN नंबर होता है वो आपका एपिक नंबर होता है। अगर आपके फैमिली में जो आधार सॉरी वोटर आईडी कार्ड है किसी के पास, तो वहां पर GLN नंबर दिया होगा, तो उसको आप एंटर कर सकते हैं। तो उस हिसाब से क्या होगा कि आपका जो फॉर्म जब जाएगा, तो डायरेक्टली उसी फैमिली बैकग्राउंड से आपको यानी ढूंढा जाएगा, एप्लीकेशंस में आपको वहीं पे ढूंढा जाएगा कि आप है यहाँ के या नहीं। तो GLN ट्रिपल फॉर्म ये हाइड हो रहा है, तो मैंडेटरी है हाइड करना क्योंकि इनफॉर्म पर्सनल डिटेल्स है। तो उसके बाद अगर आप में डिसेबिलिटी है तो वो आप एंटर कर सकते हैं, अगर नहीं तो पता ही क्या करना है। परे ब्लॉ, तो यहां पर आप ईमेल आईडी एंटर करेंगे, उसके बाद फोन नंबर भी आप एंटर करिए, इट इज अ गुड। या अगर आप नहीं करना चाहते हैं फोन नंबर एंटर या ईमेल आईडी पे एंटर करें, तो दैट्स नॉट अ बिग डील, आप नहीं भी कर सकते हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, यहां पर मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, तो वीडियो लंबे होना लाजमी है। तो यहां पर आप फोटोग्राफ को अपलोड करेंगे, फोटोग्राफ अप टू 5 MB का होना, तो चलिए हम डायरेक्टली अपलोड कर देते हैं। तो इसमें हमें फोटो डालनी है, तो यहां से फिर से चूज फाइल करेंगे, और तो यहां पर हमें इस वाले रेक्टेंगल बॉक्स में प्लेस करना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से फोटो रखनी है आपने, एंड आप यहां पर देख सकते हैं अच्छी फोटो आती है तभी आप जो है अपलोड कर दें, वरना नहीं। तो यहां पर आप कैसे देखेंगे, गेट प्रीव्यू पे, तो इस तरह से आपकी फोटो आएगी, दैट्स अ गुड फोटो। तो चलिए वो यहां क्या कर दिया, तो फोटो अपलोड होगी एंड आप यहां पर देख सकते हैं फोटो अपलोड। अब एज प्रूफ, एज प्रूफ यहां पर टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, सपोज आपके पास एज प्रूफ का डॉक्यूमेंट आधार कार्ड नहीं है, तो क्या करेंगे, आप बर्थ सर्टिफिकेट डाल सकते हैं, मार्कशीट ऑफ 5th और 8th क्लास डाल सकते हैं, इंडियन पासपोर्ट डाल सकते हैं, पैन कार्ड डाल सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस डाल सकते हैं, और यहां पर सर्टिफिकेट ऑफ क्लास
10th और 11th भी डाल सकते हैं, तो स्टेट बोर्ड्स की भी यहाँ पर एक्सेप्टेबल है। तो हम आधार कार्ड सिलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ से चूज फाइल पे क्लिक कर रहे हैं। अब इमेज करते हैं, तो हमारे पास अब पैन कार्ड है, तो पैन कार्ड को अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर हम चूज फाइल करेंगे और पैन कार्ड को अपलोड करेंगे, एंड उसके बाद यहाँ से एड्रेस प्रूफ में हम पासबुक ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर ओल्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। पासबुक अगर आप अपलोड करें तो 1 साल से आपके अकाउंट को होना टाइम होना हुआ चाहिए। तो आई डोंट नो व्हाट टू से। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए, तो अब डिक्लेरेशन यहां पर आई हियर बाय डिक्लेयर दैट टू द बेस्ट ऑफ नॉलेज एंड बिलीफ आई एम ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड प्लेस ऑफ माई बर्थ इज, यहां पर आप अपने जो बर्थ प्लेस है वो सिलेक्ट करिए और यहां से आप डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद फिर से डेट ऑफ बर्थ, एंड यहां पर पहले आप ईयर चूज करेंगे एंड उसके बाद फेब्रुअरी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। तो उसके बाद ये सब करने के बाद माय नेम हैज नॉट ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रोल फॉर दिस और एनी अदर असेंबली / पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आपका पहले ही हुआ है तो आप यहां पर कर सकते हैं, अगर नहीं तो सेम। तो उसके बाद यहां पर आप प्लेस सर्च करिए, प्लेस जहां से आप फिल कर रहे हैं फॉर्म। तो उसके बाद आप यहां पर जो कैप्चा एंटर करिए, उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। यहां पर सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको एक टोकन नंबर मिलेगा जिसे हम रेफरेंस नंबर भी कह सकते हैं, उससे आप यूज कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करने के लिए। आप जब डाउनलोड करेंगे तो उस वक्त भी आपको वो ही रेफरेंस देखने को यानी इस्तेमाल करने को बोलेंगे ये, यानी उसी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहां पर हम सबमिट कर चुके हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब